सुशांत सिंह राजपूत के जाने के तकरीबन 1.5 महीने बाद ही से ही लेकिन फैमिली ने एक कड़ा स्टेप ले लिया है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती पर FIR फाइल की है सुशांत सिंह राजपूत के फादर KK सिंह ने। क्या कुछ लिखा है उस FIR में, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने रिया चक्रवर्ती पर केस किया है और उन्होंने ये दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती उन्हें पागलखाने यानी कि मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले मेरा बेटा, ये सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने कहा है कि मेरा बेटा रिया के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले तक ठीक था, उसके बाद वो जैसे ही रिया उनके साथ रिलेशनशिप में आई, रिया ने उनसे कहा कि यू आर नॉट मेंटली फिट और तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। एंड सुशांत को वो ज़बरदस्ती साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई जो कि उन्हीं के दोस्त थे, उनके खुद के दोस्त थे। और कई बार ऐसा हुआ है कि रिया ने उन्हें ड्रग ओवरडोज दिया है, उन्हें ऐसी दवाइयाँ दी जाती थी जिससे कि वो डिजी फील करे और यू नो गलत दवाइयाँ दी जाती थी बेसिकली। एंड कितनी बार ड्रग ओवरडोज की वजह से सुशांत जब वीक फील करते थे या तबीयत ठीक नहीं लगती थी तो रिया उन्हें कहती थी कि यू नो कि आप मेंटली अनफिट हैं। इस तरह की तमाम एलिगेशंस लगी हैं रिया चक्रवर्ती पर जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑडियंस तो डेफिनेटली अब देखना होगा कि किस तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुशांत के फादर ने ये भी कहा कि ये लड़की यानी कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे को मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी और उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती थी। आपका इस पर क्या है राय, कि आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।